हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रिजवाना आपकी मुरीदनी बोल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। बस मैंने ये बताना था कि वो जो मेरा भाई था ना हॉस्पिटल में, वो फोत हो गया। ओहो, जिसने मुझे घर से निकाला था, तो अब वो फोत हो गया है। तो मैंने कहा आपको बताऊं, उसके सारे स्वाद के लिए मैं खाना देना चाहती हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हजरत जी मस्जिदें नहीं देती, मतलब अब मस्जिदों में आना जाना इतना नहीं है। तो मैं उसके साले स्वाद के लिए खाना खिलाने के लिए आपको पैसे भेज दूँ, तो आप पाकिस्तान या किसी जगह जैसे भी आप चाहें उसके भेज देंगे। तो बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, रिजवाना के फोनी से बात कर रही हूँ। पहले अफसोस हुआ, आपके भाई का इंतकाल हो गया है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी मकसद फरमाए, उनकी कोताहियाँ लग्जिशें माफ़ फरमाए। आप हजरात के साथ जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व ताला उनके रवैये का जो है, उनके जो भी उनकी तरफ से जुल्म ज़्यादती आपके साथ हो गई है, अल्लाह जो है उनको माफ़ फरमाए। आप भी उनको माफ़ कर दीजिए। ज़ाहिर इसी माफ़ आपने कर ही दिया है, तभी आप उनके सारे सवाब के लिए खाना भी करना चाहती हैं। बिल्कुल, आप जो हमें भेज सकती हैं, हमारा मुनीरी लंगर, पाकिस्तान में मुनीरी लंगर होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, बल्कि इंडिया में भी वो होता है। तो इसलिए वो मुनीरी लंगर के अंदर इंशाल्लाह हम उनकी सारे सवाब के लिए गरीबों को खाना खिला देंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला किफ़ायत फरमाए। अब देखिए ना, यही हकीकत है ज़िंदगी की। आप अपने घर से उसने निकाला, हालांकि गालिबन शायद आप, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आप फरमाया था कि वो बिल्कुल कलाला है, मतलब उनके कोई बीवी बच्चे नहीं है, बिल्कुल अकेले ही हैं। तो वो घर था, तो घर में थे, आपको रखा हुआ था, तो वो अल्लाह का बंदा आपके नाम घर कर देता, आपकी बेटी को अपनी यानी भांजी को दे जाता। तो लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो उल्टा आपको अपने घर से निकाल दिया। वो भी गालिबन आपने बताया था कि किसी दूसरे भाई के कोई तसर्रुफ था, उसने जो है निकलवाया कि ये ना हो कि ये मर गया तो ये घर ये इनके माँ बेटी का कब्ज़ा हो जाएगा। उस भाई ने भी आपके साथ ज़्यादती की। फजूल बात है, ये दुनिया के ये घर तो ये खाम पर ठहरने के ये खेमे हैं, ये टेंट हैं, और जब तक टाइम पास किया पी गया उसके बाद तो उठा के कब्र में डाल देना लोगों ने, पूछना किसी ने नहीं। अब देखो ये भाई जो उस घर का मालिक था, क्या नतीजा निकला, क्या निकले? दूसरे भाई ने आपको निकलवाया, क्या हुआ? वो निकलवा के उस घर का क्या कर लेगा, इसको चाट लेगा? ये घर तो वो कहते हैं कि यह घर नहीं रहेगा, यह खुद नहीं रहोगे। तभी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब हवारियों ने कहा था कि आपने घर नहीं को बनाया, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने घर नहीं बनाया था, ऐसे जंगलों में बियाबानों में सयाहत करते थे, दावत हक देते थे, कहीं भी रात होती वहीं ठहर जाते, किसी दरख्त के नीचे का खेमा खड़ा कर लिया, जो झोंपड़े के नीचे, घर नहीं बनाया। तो एक मरतबा हवारियों ने कहा कि हज़रत आप अपना घर बनाइए, हर एक का अपना घर, आप भी घर बनाइए। फरमाया के लिए घर के लिए पैसे चाहिए, पैसे मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि आपकी जोहद और फ़ख्र का आलम यह था कि आप के पास तो एक कंगी थी, हैं, एक पानी पीने का प्याला था, हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, या कुल मता थी, और वो भी एक मरतबा आप चले जा रहे थे तो एक शख्स को देखा कि वो जो है वो चुल्लू करके चुल्लू से पानी पी रहा है। तो सोचने लगे कि यार इसका मतलब चुल्लू से पानी पिया जा सकता है, मैंने प्याला क्यों रखा हुआ है, प्याला फेंक दिया, कि जो पीने के लिए प्याला रखता वो भी फेंक दिया। तो उसके आगे गया तो एक शख्स को देखा, वो अपनी उंगलियों से जो है ना वो सर के बाल जो है वो बाहर रहा है, क्योंकि सुना यह है जैसे आता रिवायत में अजय ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो पट्टे थे, यानी वो जुल्फ़ें थी आपकी, तो आप जो वो जो उंगलियों से कंगी कर रहा है। जब आपने देखा कि हैं अच्छा ये उंगलियों से भी कंगी हो सकती है, आपने वो कंगी भी फेंक दी। तो जिस पैगम्बर की जोहद का आलम ये हो, हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप घर बना लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी पैसों की फिक्र ना करें, हम हाजिर हैं, जितना पैसा हम लौटा देंगे। ये कहा, और हवारी जो है वो बोरियां भर भर के पैसे लेके आ गया आपके पास, वो बोरियों से भरे। पहले पहला ज़माना तो यू ऐसे ही हुआ करता था, सादा ज़माना, बोरियों में कैश, ये नहीं जी पैसे। फरमाया के ले गया, एक शर्त है कि जहाँ मैं कहूँ वहाँ पर घर बनाना है। अच्छा बताइए आप, कह चलो। अब वो बोरियाँ उठा के सारे हवारी, हवारी कौन है, वो आपके जो है साहबी, क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो वो मानने वाले चाहने वाले उनको साहबी कहते हैं, जो जो उन्होंने आपको देख के ईमान कबूल किया, ईमान की निगाह से देखा है, तो वो जो है साहबी कहलाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जो इस तरह दोस्त हैं वो जो है वो उनको जो है हवारी कहा जाता है। तो हवारी साथ हैं,
आप दरिया के किनारे पे चले गए, कहा कि वो दरिया के किनारे के बिल्कुल सेंटर में बनाना है। कहते हजरत ये कैसे मुमकिन है, वहां तो बनाना मुमकिन नहीं है। कहते क्यों? कहते इसलिए कि जी वहां तो बुनियादें खड़ी करेंगे, वो तो पानी में बुनियाद ठहरेगी भी नहीं, तो वहां तो नहीं बना सकते। तो फरमाया कि ठहरेगी तो यहां भी नहीं। मकान अगर वो दरिया के अंदर बनाने पे ठहरेगा नहीं, तो खुश्की के बनाने में भी ठहरेगा नहीं, यहां भी फना हो जाएगा, यहां भी खत्म हो जाना है, उसे कौन सा रहना है? तो जब रहना नहीं, ना वहां ठहरना है इसने, ना यहां ठहरना है, तो बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर। ये कह के उन्होंने हवारियों की आंखें खोल दी, यानी दुनिया में खड़े खड़े उनको आखिरत में पहुंचा दी। ये होता है अंबिया की तालीमात, हैं दुनिया में खड़े खड़े आखिरत में पहुंचा दिया कि ये हकीकत है इस दुनिया की, ये मकान और दुकान और दौर दीवार की खुदा ने दे दिया है, तो नेमत समझ के उसके छत के नीचे अपना सर ढांपे और खुदा की इबादत में लगें, वरना ठहरने वाले नहीं। ना ये मकान दरिया में ठहरना है और ना खुश्की के ऊपर ठहरना है। खुश्की में जो ठहरा नज़र आ रहा है ना, ये बस एक नज़र का धोखा है। ज़्यादा वही है जैसे आप बता रहे हैं आपके भाई वो चले गए दुनिया से, तो ये बात वही है। तो या हमने नहीं ठहरना, या मकान ने नहीं ठहरना, ठहरना कुछ भी नहीं है। तो उस भाई के मिल्के से निकल गया, अब जिस दूसरे भाई ने जुल्मन ज्यादती करके वो चक्कर दे के आपको निकाल के अगर आप घर पे कब्जा करेगा, तो ठहरेगा उसके पास भी नहीं, या खुद नहीं ठहरेगा, या मकान नहीं ठहरेगा। अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। अल्लाह की रहमत अगर शामिल हाल है, तो बगैर मकानों के इंसान महल्लात के लुत्फ़ लेता है, और अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं, तो फिर महल्लात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत के सामान जमा कर देता है। इसलिए ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, जायज़ तरीके से आप भले वक़्त के बादशाह बन जाएं, वक़्त के आप सुलेमान बन जाएं, वक़्त के यूसुफ बन जाएं, वक़्त के दाऊद बन जाएं, पैगम्बरों को बादशाह बनाया अल्लाह ने, लेकिन जायज़ तरीके से, अदल के रास्ते से। लेकिन जुल्म के तरीके से आप एक फूटी कोड़ी भी ले लेंगे ना, ये फूटी कोड़ी कल को जो है हलक में अटक जाएगी। इसलिए ये आप हजरात या नाजरीन इस बात को पल्ले बांधें। आज ये सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, इस मकान दुकान के चक्कर में, इस चार पैसे दौलत के चक्कर में, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत अल्लाह की रहमत और फजल की है, और इबादत की तौफीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को बरकत अता फरमाए, और बाकी आप बिल्कुल जो है हमारी फाउंडेशन के लिए अगर भेज देंगे, हम इंशाल्लाह मुनीर लंगर में जो है उनके लिए सारे सवाब करवा देंगे। अल्लाह ताला आप हज़रात को भी सब्र अता फरमाए। आमीन।